किस तरह बात कर रही हो तुम? नेहा क्या मतलब? नेहा भाभी जितनी मेरे लिए काबिल इज्जत है तुम्हारे लिए भी उतनी ही होनी चाहिए। जी हाँ, बस अभी अभी आया ऑफिस से। हाय, थक गए होगे ना? हाँ थोड़ा सा, पर लेकिन तुमसे बात हो जाती है ना मेरी सारी थकन दूर हो जाती है। बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो तुमसे। अच्छा मेरी मोहब्बत अब तुम्हें बातें लगने लगी? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, ये तो मेरी बात को मैनिपुलेट करना हुआ। ऐसे पता है क्या, लोग जो है ना सही कहते हैं। और क्या कहते हैं लोग? लोग कहते हैं कि उसामा बेटा तुम्हारी शादी होगी ना जिस दिन, उसके बाद तुम बेगम की सिर्फ जी हुजूरी करते नजर आओगे। अच्छा जी, तो आप करेंगे अपनी बेगम की जी हुजूरी? बिल्कुल करेंगे। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हैप्पी वाइफ इक्वल्स टू हैप्पी लाइफ। जी जी बिल्कुल। ये तो बताएं, आपकी तो अच्छी अच्छी बातें आकर सिखा कौन रहा है? कौन सिखाएगा, नेहा भाभी सिखाती है और कौन सिखाएगा। हेलो, क्या हुआ? रुसा, अब ऐसी बातें करोगे तो लहजे तो उलझेंगे ही ना। ऐसी बात क्या मतलब? उसामा मुझे नहीं पसंद तुम्हारे ये छोटी छोटी चीज के लिए नेहा के पीछे जाना। किस तरह बात कर रही हो तुम? नेहा क्या मतलब? नेहा भाभी जितनी मेरे लिए काबिल इज्जत है तुम्हारे लिए भी उतनी ही होनी चाहिए। मैं अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने की आदी नहीं हूँ उसामा। क्या हो गया तुम्हें, क्या बातें कर रही हो तुम? तुम्हें इतना पसंद करती है, प्यार करती है तुमसे, और उनके लिए तुम्हारे मुंह से सिर्फ जहर उगलता है बस। हाँ, क्योंकि मैं अंधी नहीं हूँ, सब नजर आता है मुझे। एंड यू नो व्हाट, असल मसला ही यही है, क्योंकि जो मुझे दिखता है वो तुम्हें नहीं। रुसा प्लीज, अब लिमिट क्रॉस हो रही है। यही तो मसला है, तुमसे मेरी कोई बात बर्दाश्त ही नहीं होती है। अब तुम पर है कि तुम फैसला करो कि आखिर तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, मैं या वो नेहा। रुसा डोंट आस्क मी टू चूज, रिश्ते अपनी जगह अहम होते हैं सारे रिश्ते, लेकिन अगर फिर भी तुम चूज करने का बोलोगी तो फैमिली कम्स फर्स्ट। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नेहा आपकी फैमिली नहीं है। नेहा भाभी क्या है मेरे लिए मैं तुम्हें वजाहत नहीं दूंगा, और आइंदा ये बात ना हो, आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझ जा। सब्सक्राइब करें AOI डिजिटल का यूट्यूब चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए।